ये हाथ से क्यों लिखा है? हाथ से जब हिसाब करते हैं ना तो गड़बड़ हो सकती है, और जब तक कंप्यूटर सीख रही हो तब तक कैलकुलेटर यूज करना। हाथ के हिसाब में गड़बड़ नहीं होती, मेरे हाथ का हिसाब बहुत पक्का है। कौन कहता है आप ये जॉब डिजर्व नहीं करती? इस गिरी आप ही बताइए पापा, आपको लगता है कि मैं इतनी सैलरी के लायक हूँ? सैलरी छोड़िए, आपको लगता है मैं इस जॉब के भी लायक हूँ या नहीं? बेटा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं देव साहब, बहुत बड़े पारखी आदमी होंगे। अरे होंगे क्या है, तभी तो इतनी तनख्वाह तय की है इसकी। मैं तो जानती थी कोई तो होगा जो मेरी विधि को समझेगा। रास्ता भूलते भूलते मंजिल पाई ली विधि ने। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू दी। पैसे मिलते ही पार्टियां? नहीं नहीं, पहली तनख्वाह में पार्टी नहीं, दूसरी में। पहली तनख्वाह में तो विधि के लिए हम अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के लाएंगे। नहीं माँ, इतने सारे कपड़े मेरे पास अलमारी में समाते भी नहीं, इससे तो। क्या बोल रही हो, बच्ची की तनख्वाह घर में खर्च करेंगे, पाप की गठरी सर पे डालोगी मेरे? एक पैसा खर्च नहीं होगा इसकी कमाई का, इसकी पूरी की पूरी सैलरी बैंक में डाली जाएगी, इसके अकाउंट में डालेंगे। हाँ हाँ डाल देंगे। विधि बेटा, इस पतीले का ढक्कन तू ही हटा। माँ, तेरी पसंदीदा खीर बनाइए। अब मैं जल्दी से गरम गरम रोटी ला रही हूँ, खाना शुरू करो इससे पहले खाना ठंडा हो जाए। गुड इवनिंग सर, खाना सर्व कर दूं? बाकी सबने खा लिया? सर अभिमन्यु सर तो अभी तक लौट कर नहीं आए हैं, और प्रिया मैम किसी पार्टी में गई हुई हैं, और सत्यवती मैम हमेशा की तरह जल्दी सो गई हैं। बेटा तू भी खा ले। गिरा दिया क्या? मामी जी, दी को डिस्टर्ब मत करो, वो अपने गड़बड़ करने के मिशन पे निकली हुई है। चुप चुप कर। अरे इतनी रात को मंदिर की घंटी कौन बजा रहा है? कौन आ गया इतनी रात को? माता के सोने का समय ना, माता को जगाने का समय। उन्हें भी तो पता चले कि कैसे उनका भक्त उन्हें बत्ती दे रहा। बड़ी बड़ी बातें की जाती थी हा? लेकिन कुछ सिक्के खनके नहीं कि बस मुंह बंद, नाक कटवा के माता के चरणों में चढ़ा दी। जेठ जी, आपका असली रूप सिर्फ माता को ही नहीं पूरे शहर के सामने दिखाऊंगी मैं। आप देखिएगा
कैसे आधा इंदौर आपके नाम पर थूकेगा। क्यों थूकेंगे? क्या किया है मैंने? मैंने जो कुछ भी किया अपनी बच्ची के भविष्य के लिए किया है। कोई चोरी नहीं की है। मेरी बच्ची सर उठा के नौकरी करने जाती है। और रही बात परंपरा की, तो परंपरा तो टूटती आई है इस घर में। घूंघट की परंपरा टूट गई। बच्चियों को स्कूल में पढ़ने नहीं भेजते थे, परंपरा टूट गई। जेठ के सामने जबान नहीं चलाते थे, टूट गई परंपरा। तो अगर मेरी बच्ची बाहर जाकर नौकरी कर रही है, टूट जाने दो ना ये भी परंपरा। हाँ वो भैया, आपने तो अकेले ही खानदान की परंपरा को तोड़ने का फैसला ले लिया। एक बार मेरे साथ बात तो करते ना भाई, परिवार में सलाह मशवरा भी तो जरूरी है ना। अच्छा तो ठीक है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, और जब बात छिड़ी है तो मेरे भी एक दो सवालों का जवाब दे ही दो। जब तुमने ब्यूटी पार्लर खोला था तो परिवार वालों को बिठा के सलाह मशवरा किया था? और भाई साहब, कल के दिन अगर आप गोल्डन के लिए कोई फैसला लेंगे तो वो हक आपका होगा, हम बीच में नहीं बोलेंगे। लेकिन भाभी, भाई साहब कभी तब भी जबान खोल लिया कीजिए जब ये आपको घर से बाहर निकाल देती है। तब तो आप वक्त बेवक्त हमारे यहाँ आ जाते। पनीर भुर्जी और बैंगन बनाने को बोलते हैं, ये बोल के कि छोटी मामी जी को तो कुछ आता ही नहीं है। इनको बीच में मत लाओ। मैं बस ये बोल रही हूँ कि पैसों की इतनी खुजली मची थी तो जब घर का पार्लर है वहाँ बेच देते, बाहर कंपनी क्यों भेजा? विधि के ऊपर उंगली उठाने का हक आपको तब होता जब आप खुद खानदान की परंपरा निभाती। आप में और विधि में क्या फर्क है बताइए मुझे? काम आप भी करती हैं, काम विधि भी करती है। हर इनफैक्ट एक औरत होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि दूसरी औरत को साथ दे। और ये तो आपके घर की बेटी है, इसके तो हर कदम पे आपने साथ देना चाहिए था ना। अरे तो वही तो मैं भी कह रही हूँ कि जब दोनों में फर्क ही नहीं है तो मेरे यहाँ काम कर सकती थी ना, दूसरों की चाकरी करने की क्या जरूरत है? उसके दो वजह। पहली, वो इंदौर की सबसे बड़ी कंपनी है, और दूसरी, वो विधि को तनख्वाह में पूरे 15,000 रुपए दे रहे हैं। और तुमने किसी को क्या दिया है ये हम सबको पता है। 15,000? इस पगले फिल्म को 15,000? अरे ये तो फ्री में भी काम करवाने के लायक नहीं है, इसे इतने ज्यादा पैसे। यही बस यही फर्क है तुम्हारे साथ काम करने में और बाहर वालों के साथ काम करने में। उन्होंने इज्जत के साथ काम पे बुलाया है, इज्जत से काम करवाएंगे। बस अब एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं अपनी बच्ची के खिलाफ, क्योंकि अगर मैंने बोलना शुरू किया ना तो भागने की जगह नहीं मिलेगी तुम लोगों को। घर का बड़ा हूं मैं, घर की इज्जत यूं उछालना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, मेरा घर, मेरी बच्ची, मेरा फैसला, मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। अरे शर्म करो, मेरा अपनी देवी के भक्त बनते हो, इतना नहीं पता?
के हर कन्या में देवी का अंश होता है। उसका अपमान नहीं, उसका सम्मान करना चाहिए। जाओ यहां से, जाओ अपने घर, सुख चैन से जियो और हमें भी सुख चैन से जीने दो। जाओ यहां से। जितना चाहे दमदमा लो, लेकिन ये गलत काम इस घर में होने नहीं दूंगी मैं। सेब पोहा बट रहा है यहाँ, निकल लो। जब भी तेरे कमरे के आगे से गुजरता हूँ ना, तो भूल जाता हूँ कि तू चली गई है। फिर अभी याद आता है, सोचता हूँ गलती कर दिया, तेरी शादी ग्वालियर में करके इंदौर में करानी चाहिए। आई मिस यू टू भाई। भाई वो ना, मैं केक बेक कर रही हूँ, तो मैं आपसे बाद में बात करूँ। बाय बाय। चल बाय। सर में दर्द हो रहा है? सर का दर्द तो बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन जो अभी और प्रिया के बीच में चल रहा है ना, वो बर्दाश्त के बाहर है। दोनों का रिश्ता बहुत बिगड़ चुका है। आप प्रिया से बात क्यों नहीं करते? कितनी बार बात की थी, कोई सुनता ही नहीं है। तू तो जानता है दोनों के दोनों अड़ियल स्वभाव के हैं। जब तक अभी अपने लिए कुछ सही काम नहीं करता ना, प्रिया तो उसकी रिस्पेक्ट करने से रही। रायचंद खानदान का बेटा बावर्ची। और मोटिवेट नहीं कर सकते, साथ नहीं दे सकते, तो कम से कम मजाक तो मत बनाओ। अपना मजाक तो तुमने खुद बना रखा है, और अभी को समझाओ तो अभी सुनने को तैयार नहीं है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आप चिंता मत कीजिए, मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। ओके। गोल गोल चक्कर उड़ता जाए मच्छर, समझ नहीं आ रहा। तुझे पता है सीमा, वो ऑफिस में इतनी ठंड लगती है ना कि पूछ मत। ऊपर से ये साड़ी कहाँ संभालूंगी मैं उसमें, और फिर और कैसे उड़ रही है ये साड़ी, जैसे तूफान में तंबू उड़ रहा हूँ। फिर इसको ये क्या दी, सब बिगाड़ दिया। ओहो ये क्या कर रहे हो तुम लोग, घर है सराफा बाजार नहीं, और ऐसे नहीं पहनते साड़ी। विधि बेटा, हाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वो बहुत देर भी हो गई आज। ये देख, ऐसे लेते हैं, ऐसे, और फिर इसे, समझ में आया? हे भगवान, मेरा मेरा पोहा जल जाएगा। हाँ माँ, हाँ। हे माँ मिलापिनी, अब आप ही का सहारा है। माँ पिता अच्छा होता ना कि जब भी कोई गड़बड़ होने वाली होती आप सायरन बजा देती है। नहीं, साइरन नहीं,
शंख, शंख बजा देते। खैर माँ बहुत देर हुई, चलो का साथ देना। अरे साड़ी पहली बार पहनी है, संभल कर चल। हाँ माँ। ये ले दफा, दफा। चल। ये मिला भी नहीं मैया, विधि की ये घबराहट वाली परेशानी पहले से कम थी, ऊपर से ये तामझाम। काश वो लोग उसे उसके पसंद वाले कपड़े पहनने देते, तो कम से कम उस तरफ से उसका दिमाग हल्का हो जाता। सीमा आज तो बहुत देर हुई, यहाँ से चलती चल। दी आज तो पक्का बस छूट जाने वाली है, एक काम करो पानी निकालो। आप अगले फिल्म ऑफिस जा रही है, साड़ी वाड़ी। हाँ प्रणाम प्रणाम। अब जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ। चल लेकिन चल। जाने से पहले ना मेरे छोटा सा काम निपटा दे। अब ये सब सामान ना बजरंग चौक से लिया था, थोड़ा ज्यादा आ गया है। बजरंग चौक तो याद है ना तुझे? अरे कैसे याद नहीं होगा, साथ तो गए थी तू मेरे। बस ये सामान लौटाना है। बजरंग चौक। चाची बजरंग चौक तो बहुत दूर है। चाची ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है, मैं बाद में कर दूंगी। ले, मेरी बच्ची अपने चाची को मना कर रही है, इतना नहीं कर सकती तू मेरे लिए? जल्दी ना होती तो मैं बोलती क्या? अरे कर देना बेटा, छोटा सा तो काम है, बहाने मत बना। मैं जरा माता के दर्शन करके आता हूँ। हाँ हाँ कर लेगी दी, इसमें क्या है, पर अभी नहीं है, शाम को। हाँ चलो चाची, मैं ये सामान ना पक्का शाम को लौटा दूंगी। अभी मैं चलती हूँ चाची, बस छूट गई ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बाय चाची। अभी जाने में देरी हो जाएगी, सनाइन बनेगी पगली फिल्म, इसका तमाशा तो ना पूरी दुनिया देखेगी। अब चलो। I think it was a good meeting. Yes. Next step, क्या बोलते हैं आप? आपके शहर आके इसको आगे लेके चलते हैं। Yeah? Very nice to meet you. Nice to meet you. Vedev, this is going to be amazing. Brilliant deal. बस अपने terms और conditions पे final हो जाए। सॉरी मैं आज बहुत लेट हो गई।